दोस्तों सीआईडी के इंस्पेक्टर अभिजीत और डॉक्टर तारिका की जान खतरे में है क्योंकि फॉरेंसिक लैब में काम करने वाले डॉक्टर सालूंग है और डॉक्टर तारिका जो है और उनके साथ है इंस्पेक्टर अभिजीत। लेकिन उस फॉरेंसिक लैब के अंदर किसी ने छोड़ दिया है एक बहुत ही खतरनाक वायरस, जिस वायरस के असर से अभिजीत, डॉक्टर तारिका और डॉक्टर सालूंखे खोने वाले हैं अपने होशो हवास। तो आखिर कौन है ये शातिर आदमी और इसका मकसद क्या है, कैसे इसने फॉरेंसिक लैब के अंदर वायरस छोड़ दिया, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है छोटा सा उसे दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले। तो दोस्तों अभिजीत और डॉक्टर तारिका जो है वो काफ़ी सालों से सीआईडी में हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं और इसके लिए दिल से सैल्यूट है अभिजीत और डॉक्टर तारिका को। दोस्तों इन दोनों के ऊपर एक खतरनाक वायरस का हमला होने वाला है सीआईडी के सीजन 2 में और ये जो वायरस है ये छोड़ा जाएगा फोरेंसिक लैब के अंदर जब डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सालूंखे और अभिजीत किसी केस के ऊपर बातचीत कर रहे होंगे। और जब ये तीनों इस वायरस के असर में आते हैं, इस वायरस के चपेट में आते हैं तो तीनों अपना होश खो देते हैं और जब इनको होश आता है ये खुद को सीआईडी अफसर ना समझते हुए खुद को एक दूसरे का दुश्मन समझकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो देखते हैं ये तीनों को ठीक कौन करता है।